ज़्यादा दर्द था, मैं बहुत परेशान थी 2 महीनों से। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, मेरा कहीं तसल्ली नहीं। मैं यहाँ हरियाणा वो गुड़गांव में आई, मैंने इस डॉक्टर से मिला तो मैंने बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं तो इसी डॉक्टर साहब से ही ऑपरेशन करवाऊँगी। मेरा बाद में उन्होंने ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा, मेरे को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इतना अच्छा डॉक्टर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत केयर होती है यहाँ पर। कोई भी भाई बहन अगर किसी ने करवाना हो तो इसी हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल है, स्टाफ बहुत अच्छा है। और कोई मत डरना, कभी मत घबराना कि मैं घुटना का ऑपरेशन नहीं करवा सकता। बहुत ईजी है, कोई भी तकलीफ नहीं। मेरे को 15 दिन हो गया, मैं अपने आप से चलती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये डॉक्टर करवाना हो तो इसी डॉक्टर से राय ले गए। मणिपाल हॉस्पिटल में गुड़गांव में है, यहाँ पर आप आ सकते हो, अपनी तसल्ली कर सकते हो, फिर बाद में ऑपरेशन करवा सकते हो। बहुत अच्छा लगता, मेरा तो ये कहना है, आगे आपकी मर्जी है। सर्वेश, जो आपको पहले दर्द था, अभी उसके बाद कैसे लग रहा है? मेरे को कोई दर्द नहीं है जी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का खिंचाव रहता है बस, बाकी और मेरे घुटनों का कोई भी दर्द नहीं है। ना मुझे चलने में परेशानी है, ना मुझे और परेशानी है। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं पेशेंट शारदा शर्मा का बेटा हूँ। तो मम्मी को काफी टाइम से प्रॉब्लम थी, लगभग पिछले 10 साल से। तो हम डॉक्टर्स को भी दिखा रहे थे, कुछ देसी नुस्खे भी अपना रहे थे, और कहीं ना कहीं हमें सुनने में आ रहा था कि इंजेक्शन लगवाया जाए तो उससे भी कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा कुछ साल के लिए। बट समहाउ डॉक्टर साहब के पास यहाँ आने से पहले हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, सब ने सर्जरी का ही बोला था। फाइनली हमने डिसीजन लिया कि मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर गुरदीप से जब मिले तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी उनसे मिलते ही कि इन्हीं डॉक्टर से ही करवाना, जैसे मम्मी ने बताया। दूसरी चीज़ ये थी, डॉक्टर साहब इतने पोलाइट हैं, इतने अच्छे से पेशेंट से बात करते हैं, समझते हैं, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी, मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट। मेरे को लगता है कि अब जब हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल और आपका होटल्स लगभग सेम कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट जो है उनकी बातों में और पूरे स्टाफ की सर्विस में दिखता है। तो काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर प्रदीप के अलावा शाहरुख बैठे जो उनके असिस्टेंट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और ओवरऑल पूरा स्टाफ ही बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली विधि मैम जो है, विधि शर्मा जी, इन्होंने पूरा एस्टीमेट बनाया था, वो सब उन्होंने केयर किया। इवन ड्यूरिंग द एडमिशन जो हमारा स्टाफ था पूरा, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और कहीं ना कहीं एक आम जन के मन में एक धारणा रहती है कि घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, घुटने का ऑपरेशन करवाने से आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत आएंगी, और 10 साल चलेगा, 15 साल के बाद फिर दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारा ये वरम दूर हुआ है, और हमें लगता है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट इनिशियल लेवल के ऊपर उसका ट्रीटमेंट करवा लें, बहुत डिले ना करें। आप अच्छा डॉक्टर ढूंढिए और उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवाइए। हमारी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि हम मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में जो डॉक्टर गुरदीप हैं वो बेस्ट डॉक्टर हैं हमारे हिसाब से, और जिस तरह का ट्रीटमेंट हमें दिया है शायद वैसा ट्रीटमेंट हमें कहीं और नहीं मिलता। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।